सो सारे प्लेयर तो गेम तो खेलते ही रहते हैं। हाँ भाई, हम गेम पे जाते हैं, फाइट वाइट करते हैं, वापस आ जाते हैं, बस तो यही करते हैं ना। चलो आज तुमको ना फ्री फायर के गेम के कुछ कूल सा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, जो कि गेम पे ट्राई होने वाले और ये बहुत ज्यादा कूल है, पर थोड़े बहुत ज्यादा पेट्स है तो अकेले करना पॉसिबल तो है नहीं, तो काफी सारे प्लेयर के साथ में हुआ है और इस सच में बहुत ज्यादा मस्त एंड बेट्स है देखने में भी एंड करने में भी। चलो दिखाता हूँ। हाँ तो हम गेम पे जाते हैं ना तो भाई ये लूट तो जरूर से करते हैं। हाँ पूरे मैप में घर में इधर उधर पड़े रहते हैं ये वाले लूट। हाँ इसी की बात करो भाई, गन बैग वगैरह पता नहीं मजल वजल गोली सब कुछ ये लूट ही होते हैं मैप के, और ये पूरे मैप पे भरे पड़ते हैं पूरे मैप पे। तो अगर तुमने सोचा है कि इस पूरे मैप का लूट अगर एक जगह पे ला के रख दिया जाए तो भाई कैसा होने वाला वहाँ का नजारा और पूरे मैप पे कितना लूट पड़ा होगा, तुम लोगों ने कभी सोचा है? इस वाले एक्सपेरिमेंट को किया भाई शैडो शूटर ने, एंड यहाँ पे तुम लोग देखो पूरे मैप का लूट जस्ट एक जगह पे भाई जमा किया हुआ है, और ये कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई, इतने सारे लूट ना, और ये लूट इतने ज्यादा है ना कि तुम्हारा गेम भी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से लैग करने वाला है, क्योंकि पूरा लूट एक ही जगह पे पड़ा हुआ है भाई। छोटे वोटे डिवाइस है ना तो भाई पूरा फटने वाला है, बहुत ज्यादा ही कूल है ये तो। कुछ भी नहीं, नेक्स्ट वाले देखो। अब तुम लोग जानते हो ना कि हम जिप लाइन तो यूज करते हैं, लेकिन अगर इस जिप लाइन को हम यूज कर रहे हैं ठीक है, एंड सामने वाले प्लेयर और भी यूज कर रहे हैं, तो एक जगह जाने के बाद ये नीचे लैंड करता है। एंड तुमने कभी सोचा है अगर कंटिन्यूअस सारे प्लेयर एक के ऊपर एक तरह से लैंड करे तो एंड पे आए कितने प्लेयर एक जगह पे एक ही बार में घुस सकते हैं? वैसे तो भाई हम तीन ही हैं, बट गेम पे 50 प्लेयर आते हैं, एंड तुम लोग सोचो 50 एक के अंदर एक घुसे हुएंगे, उसके बाद अगर हम गन से फायर करें तो एक गोली में कितने लोग मरेंगे भाई, ये बहुत ज्यादा कूल है ना। एंड चलो देखते हैं क्या होने वाला है। तो अभी यहाँ पर भाई बहुत सारे प्लेयर चिप लाइन पे लटके हुए हैं, जो कि पूरे गेम के भाई जितने प्लेयर आए थे 46 प्लेयर, और तुम लोग देखो एक के अंदर एक घुसने के बाद ये कितना ज्यादा कूल दिख रहा है भाई, मतलब पूरे गेम के बंदे एक ही के अंदर घुसे हुए हैं, और ये बहुत ज्यादा वियर्ड सा फील कर रहा है भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक। बट हाँ तुम लोग सोचो कि अगर हम एक गोली चलाएं तो मरेगा कितने लोग? गाइस यहाँ पर तुम लोग देखो, यहाँ पे टोटल 30 प्लेयर भाई एक के अंदर एक घुसे हुए हैं। अब भाई गोलियां चलाते हैं और देखते हैं मरता कितने लोग है। तो गाइस ये एक डबल का एक गोली, और क्या तुमने भी सोचा था कि एक गोली में सारे के सारे मर जाएंगे? नहीं यार ऐसा नहीं होता, क्योंकि गोली तो एक ही है ना, अब किसी के भेजे में घुसेगा तो भाई एक ही घुसेगा, ऐसा तो नहीं कि वो आर पार हो के सारे समझ रहे हो ना, तो मरता तो सिर्फ एक ही है। तो चलो नेक्स्ट वाला दिखाता हूँ। अब अगर हम किसी व्हीकल से बहुत ज्यादा ऊपर से जंप करते हैं तो क्या कूल सा भाई सिनेमेटिक व्यू आता है, जैसे कि देख रहे हो काफी सारी गाड़ियां ऊपर से धड़ाधड़ करके गिरे जा रहा है, लेकिन ये तो तीन थे यार। अगर गेम के अंदर इसी तरह से पूरे मैप के व्हीकल को एक साथ ऊपर से नीचे कंटिन्यूसली भाई जंप कराए, तुम लोग देखो यहाँ पे भाई क्या मूवी वाले सीन इफेक्ट दे रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर से भाई गाड़ियों का बारिश हो रही है, और एक एक करके एक एक ऊपर से भाई बस नीचे जंप करने जा रहे हैं, पूरे मैप के जितने व्हीकल है ना भाई सब के सब इस जगह पे हैं, देखो भाई एक एक करके कितना ज्यादा अजीब सा फील दे रहा है। चलो ये तो कुछ भी नहीं, आगे तुम लोग अभी देखते जाओ। अब तुम जानते हो ना भाई पिक पे एक हाउस होता है ये वाला, अब इस ड्रम के पीछे अगर हम जाकर छुप जाए तो देखने में तो ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पर एक प्लेयर छिपेगा, उसके आप ज्यादा छिप नहीं सकते क्योंकि जगह बहुत ही कम है। हाँ दो तीन चार, तुम्हें लगता है कितने प्लेयर इस जगह पे आ सकते हैं भाई? छुपने के लिए वैसे तो बेस्ट जगह है, बट यहाँ पर हम कितने प्लेयर ऐड हो सकते हैं, कभी तुमने सोचा है इस चीज को? चलो आज देखते हैं कि कितने प्लेयर यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। सो काफी सारे बंदे तो अभी आए हुए ऊपर, बट ये लोग खुद से भी लड़ जा रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा सेफ प्लेस है, यहाँ पर किल भी नहीं कर सकता कोई बिना ग्रेनेड के। तो यहाँ पर गाइस बहुत सारे प्लेयर आने के बाद अगर इस बॉक्स के पीछे चले जाना, तो ये तो तुम्हें पता है कि अगर किसी प्लेयर के ऊपर चढ़ जाओ और थोड़ी देर रहो ना तो भाई खुद बे खुद वो ट्रांसपेरेंट होके उसके आर पार चला जाता है अंदर। अब इस चीज का यूज करते हुए बिना भाई इस बॉक्स के पीछे जाके खड़े रहे और एक के अंदर एक घुसते जाए फिर भी भाई मैक्सिमम ना 10 प्लेयर ही आ सकते हैं यहाँ पर। हाँ भाई 10 प्लेयर जाएंगे उसके बाद ना वो भी लिमिट आउट हो जाता है, और उसके बाद कितना भी प्लेयर वहाँ पे जाओ भाई कुछ भी करो वो अंदर जाएगा ही नहीं 10 प्लेयर से ज्यादा। और ऐसा ही एक प्लेस और है जो यहाँ पे है, और इस सोफे के पीछे भी काफी सारे प्लेयर चिपके बैठते हैं, कैंप वैम्प करते हैं भाई, चिपके मारते हैं, और यहाँ पर भी सेम वही फील देता है जो कि वो बॉक्स के पास था, वहाँ भी 10 प्लेयर आ रहे थे और जगह तो वैसे यहाँ भी इतना है, और बाकी कितना भी ट्राई करने के बाद 10 प्लेयर से ज्यादा यहाँ पर भी ऐड ज्यादा नहीं हो सकते। क्या तुमने भी सोचा था कि यहाँ पर 50 प्लेयर आएंगे भाई टोटल? नहीं यार ऐसा नहीं होता, 10 ही आते हैं। ओके अब ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो, ये चीज को मैंने खुद ही ट्राई किया था बहुत टाइम पहले। अब
गाइस तुम्हें पता होगा ना कि हमारे गेम पे एक हीलिंग गन होता है जिससे एक दूसरे को हम हील कर सकते हैं। हाँ, जॉन के बाहर जाकर भाई हील पेटल करके हम पुया ले सकते हैं। लेकिन ये चीज तुम जानते हो ना कि ये चीज पॉसिबल तभी हो सकता है जब हम दो प्लेयर आपस में हील पेटल कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग सोचो, अगर गेम के अंदर दो स्क्वाड एक खुद ही हील पेटल करे तो एंड पे जाके रिजल्ट क्या मिलने वाला है, पुया किसका होगा? और तो और भाई, ये जॉन जो चल रहा है मैप में, पूरे जॉन फैला हुआ है, छोटा सा बचा हुआ अभी। अगर पूरा श्रिंक होने के बाद भी प्लेयर जिंदा बचे तो भाई मैप में जॉन का फिर से स्टार्ट होगा। यार ये बहुत ज्यादा कूल सा है। अब इस चीज को हमने काफी देर ट्राई किया, भाई हील बेटल के बस कर ही जा रहे थे और जॉन के भाई तो ऐसे की तैसे भाई क्या डैमेज दे रहा था। बट फिर भी ट्राई करने के बाद तुम लोग देखो, यहाँ थोड़ी देर बाद ना प्लेयर सारे मरे भी गए और जॉन फिर से स्टार्ट हो गया। फिर से तो नहीं, बट हाँ पूरा का पूरा मैप क्लियर हो गया। यहाँ पे जॉन का नाम का कोई चीज है ही नहीं। भाई देखो, मुझे नहीं लगता भाई इतनी देर तक कोई प्लेयर ने यहाँ पे सरवाइव किया होगा। जॉन तो सारे लोग कर ही लेते हैं, बट जॉन के बाद भी सरवाइव करना ये थोड़ा मुश्किल है। और इस चीज को हमने बहुत टाइम पहले ट्राई किया था और ये बहुत ज्यादा एक कूल सा एक्सपेरिमेंट था। मुझे लगता है ऐसा किसी ने किया भी होगा, बहुत ही मस्त। हाँ, अब इस वाले को तुम देखो, अब तुम्हें पता होगा ना कि ये लॉन्च पैड, हम इसे लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। चलो लॉन्च करने के बाद ऊपर चलते हैं। अब अगर इसी तरह से कंटिन्यू बहुत सारे प्लेयर एक के ऊपर एक लॉन्च करते जाए सेम लोकेशन पे, उस लॉन्च पैड को हिलाना भी नहीं है, तो एंड पे जाके क्या रिजल्ट मिलने वाला है? क्या दोबारा से वो सारे प्लेयर हमारे अंदर चले जाएंगे या हमारे ऊपर चलने वाले? जैसे कि एक तो आया बट ये मुझसे भी आगे चला गया, पता नहीं क्यों भाई इसने हिला दिया था क्या। ओके, अब इस चीज को तुम लोग यहाँ पे देखो, एक बार लॉन्च पैड के आने के बाद अगर बाकी सारे के सारे प्लेयर इसी लाइन पे उसी डायरेक्शन पे सेम आने वाले हैं तो व्यू कुछ ऐसा मिलने वाला है। एक तो ऊपर आया, दूसरा नीचे आया, फिर से ऊपर और अबे भाई यहाँ पर तो पुल खड़े हो गए, इतने देख रहे हो, और ये बहुत ज्यादा कूल सा व्यू दे रहा है। और एक के ऊपर भाई पांच पांच प्लेयर बैठे हुए, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुम कितना भी ट्राई कर रहे हो ना एक ऊपर चढ़ने का, तुम पांच प्लेयर को चढ़ा नहीं सकते ऊपर। लेकिन यहाँ पर देख लो क्या प्लेयर भाई लंबर लगा हुआ ऊपर तक, बहुत ज्यादा बेस्ट है ये। तो अगर गेम के अंदर किसी एयर ड्रॉप का किसी व्हीकल के ऊपर गिरा दे तो क्या होता है? व्हीकल की तो चटनी बन जाती है भाई, वो फूट जाता है। बट मॉन्स्टर ट्रक सबसे ज्यादा हैवी है, लेकिन अगर इसके ऊपर बहुत सारे एयर ड्रॉप एक ही बार में फेंक दे जाए तो क्या होने वाला है? क्या मॉन्स्टर ट्रक टूटेगा या फिर पूरा कचुंबर बन जाएगा? ओके, तो गाइस देखो यहाँ पर बहुत सारे एयर ड्रॉप एक के ऊपर एक आ रहे हैं जो कि इस मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर गिरने वाले हैं। अब देखना है कि मॉन्स्टर ट्रक की बचता है या फिर शहीद हो जाता है। ओ भाई, इस मॉन्स्टर ट्रक की तो चटनी बन गई यार, एक साथ इतने सारे ड्रॉप गिरने के बाद क्या कूल सा दे रहा है। चलो ये तो कुछ भी नहीं, तुम लोग इसे देखो। अब तुम्हें पता होगा ना गेम के अंदर सिंगल प्लेयर तुम बच गए तो भाई गेम पूरा हो जाता है, तुम जीत जाते हो। लेकिन यहाँ पे तो लैंडिंग सिंगल प्लेयर से हो रही है तो भाई ये गेम पूरा दे क्यों नहीं रहा है? और इसे पता ही नहीं है कि गेम पे बस एक प्लेयर बचा हुआ है और गेम पे पूरा हो ही नहीं रहा है। तुम लोग सोच रहे हैं ये कैसे होता है? तो इसे करने के लिए ना करना क्या पड़ता है कि गेम पे जाना है और कस्टम बना लेना है और बाकी सारे प्लेयर को बैक कर देना और खुद अकेले गेम पे पड़े रहना है। इससे गेम पे अकेले स्टार्ट कर सकते हो। बट पूया ना थोड़ी देर बाद मिलता है, 2 से 3 मिनट बाद। पता नहीं यार गेम वालों को भाई 2-3 मिनट बाद प्रेडिक्ट करते हैं कि गेम पे एक ही प्लेयर है। वैसे इन सभी एक्सपेरिमेंट का फुल वीडियो ना तुमको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तुम जाके देख भी सकते हो। और चलो यार, तुमको ये वीडियो कैसे लगी? अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और बताना ना कि तुम लोग भी गेम पे क्या एक्सपेरिमेंट करते रहते हो या फिर बस गेम ही प्ले करते हो। सो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।